सनसनी ऑफ इंडिया। अवैध हथियार बेचने वाले बदमाश दिल्ली पुलिस को चकमा देने के लिए दूधिया बंकर मोटरसाइकिल पर टांग कर दूध के कंटेनरों में भारी मात्रा में अवैध हथियार छिपाकर ला रहे थे, लेकिन वो पुलिस को चकमा नहीं दे सके और पकड़े गए। द्वारका जिला पुलिस की AATS की टीम ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गैंग का भंडाफोड़ करके दो अवैध हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार सप्लायरों की पहचान पलवल निवासी 40 वर्षीय कुलदीप और गुरुग्राम निवासी 30 वर्षीय दिलबाग उर्फ बागे के रूप में हुई है। इनके पास से दूध के कंटेनर में छुपाकर रखी गई कुल 10 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली NCR, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टरों व क्रिमिनलों को अभी तक 100 से भी अधिक अवैध पिस्तौल बेच चुके हैं। DCP द्वारका शंकर चौधरी का द्वारका जिले में ऑपरेशन वर्चस्व के तहत क्रिमिनलों को क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएंगे। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाल के दिनों में द्वारका जिले में फायरिंग की कुछ घटनाएं हुई थी। इन फायरिंग की वारदातों को बारीकी से जांच करने पर सामने आया कि वारदातों में इस्तेमाल अवैध हथियार गैंगस्टरों ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली NCR के अवैध हथियार सप्लायरों से खरीदा था। DCP द्वारका शंकर चौधरी ने अवैध हथियार बेचने और खरीदने वाले गैंगों का भंडाफोड़ करने के लिए विजय सिंह ACP ऑपरेशन द्वारका के सुपरविजन व AATS इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में SI विजेंद्र, SI दिनेश, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, सोनू कांस्टेबल मनीष, मनोज संदीप और सत्येंद्र की एक टीम बनाई। टीम ने हाल के दिनों में द्वारका जिले में हुई फायरिंग की वारदातों में इस्तेमाल अवैध हथियारों के सोर्स का पता लगाने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया। टीम को जानकारी मिली कि हरियाणा के दो बदमाश कुलदीप और दिलबाग उर्फ से जुड़ा एक गैंग दिल्ली NCR में अवैध हथियारों की तस्करी में सक्रिय है। पुलिस टीम ने गैंग की मोडस ऑपरेंडाई समझने के लिए संदिग्ध बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखी। अवैध हथियार बेचने वाले बदमाशों को दबोचने के लिए दिल्ली पुलिस बदमाशों से 2 कदम आगे चली। DCP द्वारका शंकर चौधरी के आदेश पर जांच टीम ने पुलिस स्टाफ से ही एक पुलिसकर्मी SI विजेंद्र सिंह को डमी ग्राहक बनाया। SI विजेंद्र सिंह ने ग्राहक बनकर बदमाशों से अवैध हथियार खरीदने का सौदा किया। अवैध हथियार बेचने वाले बदमाश डमी ग्राहक बने SI विजेंद्र सिंह के जाल में फंस गए। दिनांक 22 नवंबर 2021 को SI विजेंद्र ने AATS इंचार्ज इंस्पेक्टर कमलेश कुमार को सूचना दी कि हरियाणा के दो बदमाश कुलदीप और दिलबाग उर्फ दूध वाला बनकर अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए रावता मोड़ जफरपुर आने वाले हैं। दोनों बदमाशों को दबोचने के लिए टीम ने ट्रैप लगाया। कुछ समय बाद टीम को हरियाणा बॉर्डर की दिशा से रावता मोड़ की ओर दो दूधिये मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। मुखबिर का संकेत मिलते ही जांच टीम ने दौड़कर दूधिये के भेष में आए दोनों बदमाशों को दबोच लिया। आरोपियों ने खुलासा किया कि वो गोविंदगढ़ नजदीक जेवर उत्तर प्रदेश निवासी गैंगस्टर भरत की गैंग से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 40 वर्षीय मोहल्ला दुकड़िया नजदीक गुरुद्वारा सेक्टर 2 पलवल हरियाणा निवासी कुलदीप पुत्र समाय राम व 30 वर्षीय मिकड़ोला गौप राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन गुरुग्राम निवासी दिलबाग उर्फ बागे पुत्र दिन दयाल के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उनके पास से एक भरी हुई देशी पिस्टल बरामद हुई। मोटरसाइकिल पर लटकाए गए दूध के कंटेनर की जांच की गई तो कंटेनर के अंदर 8 देशी पिस्तौलें और मिली, जो सावधानी पूर्वक पैक की गई और दूध के नीचे डूबी हुई थी। बदमाशों के खिलाफ थाना जफरपुर में दिनांक 23 नवंबर को FIR संख्या अंडर सेक्शन 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपी कुलदीप और दिलबाग उर्फ ने खुलासा किया कि प्राथमिक शिक्षा के बाद दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी और बुरी संगत में पड़ गए। जल्दी पैसा कमाने और शानदार जीवन शैली को बनाए रखने के लिए उन्होंने दिल्ली NCR, हरियाणा और UP में अवैध हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी। दोनों गोविंदगढ़ नजदीक जेवर उत्तर प्रदेश निवासी गैंगस्टर भरत की गैंग से जुड़े हुए हैं। आरोपी 40 वर्षीय कुलदीप पुत्र समाय रामपता मोहल्ला दुकड़िया नजदीक गुरुद्वारा सेक्टर 2 पलवल हरियाणा का रहने वाला है। वो पहले पुलिस स्टेशन पलवल कैंट में दर्ज एक हनी ट्रैप मामले में शामिल था। उसने 5वीं तक पढ़ाई की थी। जेल से छूटने के बाद वो बुरे तत्वों के संपर्क में आया और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगी दिलबाग उर्फ बागे के साथ अवैध हथियारों की आपूर्ति में शामिल हो गया। दूसरा आरोपी 30 वर्षीय दिलबाग उर्फ बागे पुत्र दिन दयाल पता मकड़ौला गौ राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन गुरुग्राम का रहने वाला है। इसने 8वीं तक पढ़ाई की थी। पुलिस स्टेशन राजेंद्र पार्क गुरुग्राम में दर्ज एक हमले के मामले में उसकी पहले से संलिप्तता थी। उस समय वह नाबालिग था। वो बैंटर का काम करता था।
पेंटर के तौर पर काम करते हुए वो बुरे तत्वों के संपर्क में आ गया और अवैध हथियारों की सप्लाई करने लगा। आरोपियों के पास से 10 सिंगल राउंड पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। देखिए, ऑपरेशन वर्चस्व जो द्वारका जिला पुलिस चला रही है पिछले लगभग 40 दिन हो गए इसके, इसमें आदरणीय कमिश्नर साहब का जो विजन है स्ट्रीट क्राइम्स और ऑर्गेनाइज क्राइम्स पर जीरो टॉलरेंस है, दबिश बनाई जा सके, और उनका एक और भी विजन है कि रिएक्टिव पुलिसिंग से हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ बढ़े, यानी कि अपराध हो जाने के बाद उस पर रिएक्ट करने से वो तो करना ही है, वो तो बेसिक जवाबदारी है हमारी, मगर अपराध होने के पहले हम कुछ जिसको हम लोग पुलिस में गुड वर्क्स कहते हैं, हम ऐसे गुड वर्क्स करें कि अन्य जो और अपराध हो सकते थे जिसको आप सनसनी खेज घटना कहते हैं उस पर दबिश बनाई जा सके, उसको रोकथाम लग सके। उसी दिशा में जो प्रयास पहले ऑपरेशंस यूनिट से आते थे और कैफ की यूनिट करती थी, अब उसी प्रयास में और मोमेंटम आ गया है, थानों से भी अच्छे अच्छे गुड वर्क्स आने शुरू हुए हैं, ये लोग भी धरपकड़ बहुत तेज कर रहे हैं, भूतकाल में भी इनका प्रयास रहा है, मगर जो अब जो जो गति देख रहा हूं मैं वो सराहनीय है। इसी दिशा में अभी स्पेशल जो एटीएस की टीम है, इसमें विजय सिंह और कमलेश इंस्पेक्टर कमलेश के अंदर, इन्होंने अच्छी कामयाबी दिखाई है, इन्होंने डिकॉय प्लान बनाया वर्चस्व के तहत और एक आम सप्लायर को, दो आम सप्लायर हैं इनफैक्ट, उन दोनों को पकड़ा है, जिससे 10 कंट्री मेड पिस्टल्स रिकवर हुए हैं जो वो दूध के कनस्तर में मोटरसाइकिल पे डाल के ला रहे थे। मैं इन पर बता दूँ कि ये दोनों पे मुकदमे भी हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और अभी हम इस लिंक को और पीछे तक लेके जा रहे हैं कि ये पिस्टल आई कहाँ से, कड़ियाँ कौन कौन सी हैं और इसका सोर्स कहाँ है। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।